अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड नून नाज़िम। प्रोग्राम रूहानी मसाइल में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस प्रोग्राम में जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपको सितारों के हवाले से बताया जाता है और बताया जाता है स्पेशलिटी के हवाले से, न्यूमरोलॉजी के हवाले से। हमारे जो गेस्ट इस प्रोग्राम में होते हैं उनका नाम है हसन रज़ा साहब। बाबा जी हैं वो और स्पेशल हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, और आप लोगों को इन तीनों अलूम के बारे में बताते हैं। कोई भी सवाल हो आपके दिल में, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि न्यूमरोलॉजी में आपका लकी स्टोन क्या बनता है, लकी नंबर, लकी कलर क्या बनता है, आप लोग यहाँ पर कॉल करके जान सकते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में आप लोग पूछ सकते हैं कि आपका कारोबार कैसा रहेगा, आने वाली ज़िंदगी कैसी रहेगी, क्या क्या तदाबीर, क्या क्या कुछ कर सकते हैं आप लोग अपने मसाइल को हल करने के लिए। और स्पिरिचुअलिटी में आपको जो है दिया जाएगा उनका हल। कॉल करने के लिए टेलीफोन लाइन्स हैं ओपन और टेलीफोन नंबर है आप लोगों की स्क्रीन पर 09055952002 है। लाइव कॉल करने के लिए नंबर, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ऑन या बात नहीं करना चाहते, आप लोग प्लीज़ कस्टमर सर्विस रब्ता कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस का ऑप्शन इसलिए है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आप लोग ऑन एयर हसन रज़ा साहब से नहीं कहना चाहते, लेकिन आप ऑफ एयर उनसे ज़रूर कह सकते हैं। मिलवाती हूँ आपको उनके साथ, फिर हम मज़ीद आप लोगों की कॉल शामिल करेंगे और प्रोग्राम में करेंगे सितारों के हवाले से बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जी? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हसन रज़ा साहब, आज 7 तारीख है, 7 मई 2012 के हवाले से क्या आपको है कि आज का दिन कैसा रहेगा बहुत सारे लोगों का, और क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं आज के दिन के लोगों में? जी नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फसलू अहलल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सदकल्लाहु मौलाना लज़ीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, रूहानी मसाइल प्रोग्राम में हस्बे ममूल हाज़िर खिदमत हूँ। और इस प्रोग्राम में रूहानियत के अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और दूसरे मख्फी अलूम के बारे आपको आगाही दी जाती है। जैसा कि आज आयरिस ने मुझसे आज के दिन के हवाले से रूटीन के मुताबिक सवाल किया, आज का दिन तो मंडे है लेकिन अदद के हवाले से जो पावर अदद की चल रही है वो 7 है। 7 का अदद बहुत ही इल्मुल आदात में अहमियत का हामिल है। जी जी, बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। और ये ताक आदात में से एक अदद है। ओके, इसको ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है। और ये 7 का अदद अपनी ताकत और अपनी जो पावर और जो अपनी हैसियत है वो हमेशा कायम रखता है, क्योंकि कोई ऐसा अदद जो है इसको तकसीम नहीं कर सकता। ये ऑड नंबर में से है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि 7 के आदात के हवाले से कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं, और कुरान पाक की जो और भी बहुत बेशुमार खसूसियात जो हैं वो 7 के आदात पर मुहित हैं। और 7 आसमान हैं, 7 ज़मीनें हैं, और इस तरह जो हम बैतुल्ला का तवाफ करते हैं वो भी 7 के अदद पर मुहित है। ये जितने भी ताक आदात हैं हमारे इस्लाम में इन आदात की बहुत अहमियत है। जी। यानी जितने भी रुकन हैं, जितने भी हमारे मज़हब के अंदर, इस्लाम के अंदर जो ज़्यादातर कुरान पाक में भी जो अहमियत दी गई है इन 7 के अदद को, 3 के अदद को, 5 के अदद को, और इसी तरह 9 के अदद को, 12 के अदद को, फिर 14 जो कंपाउंड का नंबर बन जाता है 1 और 4 को मिला के, इस तरह इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और 7 के जो हामिल अफराद हैं उनके अंदर बहुत सारी खूबियां पाई जाती हैं। जी जी सही जी, उनके अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि 7 के अदद के साथ जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट चलते हैं वो जी, पी और वाई चलते हैं। ठीक है। यानी अगर कोई 7 तारीख को पैदा होता है, कॉलर शामिल करते हैं, 7 के बारे में मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अपने टीवी की, वालेकुम सलाम जी, अपने टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए, बहुत शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बाबा जी से जरा बात करवा दें। बिल्कुल बाबा जी से आप बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम, सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी है, सबसे पहले तो ये मेरी उम्र लिखे आप जरा बाबा जी। जी जी, कब्र में जाने वाली है मगर फिर भी घूम फिर रहे हैं इंशाल्लाह। बड़ी बात ये है। आपने 4 जुलाई
जी 4 जुलाई ठीक है 1938। 1938। हाँ जी विंटेज हूँ मैं बिल्कुल। आपने पहले भी कॉल की थी, बर्मिंगम से बोल रहे हैं? मैं बर्मिंगम से बोल रहा हूँ जी। देख ले, मुझे याद है कि आपने पहले भी कॉल की थी। तो यही तो इलम है आपको, काम आता है ना जी, इसीलिए तो हम याद करते हैं आपको। नहीं, बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझसे बड़े बड़े इल्म वाले हैं, मैं तो अदना सा इंसान हूँ। हर किसी की अपनी अपनी फील्ड जी जी है बाबा जी, जी 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 और हर वो जो कामयाब होते हैं अपनी फील्ड में उसे दुनिया याद करती है। बेशक, बस आप जैसे बुजुर्गों की मोहब्बत, खलूस और प्यार, और दूसरे मेरे व्यूवर्स जो हैं, कॉलर्स जो हैं, जो मोहब्बत करते हैं। जी, आपने दोबारा कॉल की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या जानना चाहेंगे अब? क्या जानना है जी, जनरल बातें बताते मेरे मतलब। अभी बुढ़ापे में देखें औलाद हमारी खिदमत करेगी जी, माँ बाप को पूछेगी, यही फिक्र होती है माशा बुढ़ापे में इंसान को, सेहत के मतलब होता है, जय जय बाकी जाना तो है ही यार किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मसलन के, माशाल्लाह आपने इतनी, अल्लाह ताला ने आपको तवील उम्र दी, और इस हवाले से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से कैंसेरियन बनते हैं, ठीक है? हाँ जी, और कोई सवाल बताएं को आप? खास सवाल लिए जनरल सेहत जी के मतलब है, फिर अपनी औलाद के मतलब है, पांच कितने बच्चे माशाल्लाह आपके? है माशाल्लाह, 5 बेटे। कितने? 3 बेटे और 2 बेटी है। 2 बेटी हैं, ठीक है। केस के मुतल्लक क्या पूछना चाहते हैं? अपने मतलब या बच्चों के? नहीं, आप अपने मुतल्लक क्या पूछना चाहते हैं सेहत के हवाले से? सेहत के हवाले से तो ठीक है, वो चलता है सिलसिला, डॉक्टर से रहता रहता हाँ, है। डॉक्टर जीपी से रब्ता रखें। वैसे मैं मजमूई तौर पर आपको अल्लाह के अस्माल हुस्ना, चूँकि आप 7 तारीख को पैदा हुए और आज ओ सॉरी 4 तारीख को, 4 तारीख जी 4 तारीख को आप पैदा हुए और 7वां महीना है, 4 के अदद के हवाले से मैं आपको अस्माल हुस्ना दे देता हूँ, वो आप पढ़ें, जो आप मजमूई तौर पर उसमें दुआ किया करें। और जब दुआ करें तो हमें भी याद रखें, अल्लाह ताला हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इल्म उम्र दे दराज दे आपको। जी, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म की वसअत अता दे और ज़र्फ़ दे, ठीक है ना? और ये या नूरो जी या रऊफो या रऊफ और या अजीज़ो, या अजीज हो, ये 3 अल्लाह के अस्माल हुस्न है। आप 2 रकत नमाज नफल पढ़ा करें रेगुलर, और उसके साथ आप बाद में अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद पाक, 3 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आप सूरह मुजम्मल पढ़ा करें, ठीक है? सूरह मुजम्मल रूहानी सूरह है, और 100 मरतबा ये अल्लाह के अस्माल हुस्ना जो है, पानी रख लिया करें, ये भी पढ़ें, और पानी रख लें, पानी पिया करें, और बिलखसूस बिलखसूस दुआ करें अपने तमाम मजमू तौर पर सेहत के हवाले से और दूसरे बच्चों के हवाले से, कारोबारी मामला, जो रुपया पैसा आपके जितने भी जो आप समझते हैं मसाइल, उसके हवाले से आप दुआ करें। और बिलखसूस मैं ये कहूँगा कि आप मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला सेहत दे और इल्म की वसअत अता फरमाए। बाबा जी जरा एक और मसला है, वो जी, पाकिस्तान में कुछ जायदाद थी मेरे वाले साहब की, जी जी वो मसला है। ये तो आपको पता ही है, जब जी इंसान खुद ना हो तो बिल्कुल दूसरे सही जो है है वो नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जी। प्लीज आप अपने लीगल सोलिसिटर से जरूर रابطے में रहेगा, एडवाइजर्स होते हैं उनसे रابطے हाँ में जी रहेगा, बिल्कुल, ठीक है? लीगल कार्रवाई अपनी जगह है जी, और आपने जी, पूछा है सेहत के हवाले से तो डॉक्टर से जरूर आप रابطے में फिक्र रहेगा। मत करें बिल्कुल। हाँ जी जी बिल्कुल, बाकी हाँ, आपको बताते हैं। बाकी मैं आपके जो नेटल चार्ट के मुताबिक जो मैं देख रहा हूँ, अगले 4-5 माह जो हैं, आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी हैसियत और जो भी मामलात हैं आपके, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। लेकिन अच्छा थोड़ा जी सा जी नवंबर का महीना जो है, नवंबर और अक्टूबर का महीना, ये आपके लिए ज़रा मुश्किल और तकलीफ दे हो सकता है। अक्टूबर नवंबर नवम हाँ जी नवंबर, ठीक है ना? नवंबर और अक्टूबर, ठीक है ना? ये 2 महीने जो है ना, 6 नवंबर के बाद आपके कुछ मामलात में प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा और डॉक्टर अच्छा जीपी से राबते में रहिएगा। और ये जो आप प्रॉपर्टी के मामलात बता रहे हैं,
ये आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त और